आंदोलन कर रहे सैकड़ों किसान उग्र हो गए। बिजली उपकेंद्र के सामने पाइप में आग लगी है, जैसा कि जानकारी भारत समाचार को मिल रही है। किसानों ने बिजली पाइप में आग लगाई है। उन्नाव जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये जो आग धधक रही है ना, जिसका धुआं आप देख रहे हैं, ये किसानों की वजह से है। ये किसानों का आंदोलन है। पुलिस बल और अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। चूंकि उनकी संख्या बहुत कम थी, इसीलिए उनके पास कोई चारा नहीं था और अपने ही किसानों पर वो फायर नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो मूक दर्शक बने रहे, कर क्या सकते थे। ट्रांस गंगा सिटी एरिया के पास बम्पर बॉल हुआ है। 1 किलोमीटर की परिधि में ये सब स्टेशन है, लेकिन नुकसान किसका हुआ? ये किसानों का हुआ, हमारा हुआ, तो ये कदम ठीक नहीं है। अहिंसात्मक आंदोलन तो सही है, लेकिन इस तरह की हिंसा बिल्कुल ठीक नहीं है। किसानों को ये नहीं करना चाहिए था। अनुराग भारती, आग को तो देख के लग रहा है कि बहुत नुकसान हुआ होगा। ये आग क्या किसानों के आंदोलन का हिस्सा है, किसानों ने ही लगाई है? जी बिल्कुल, अभी तक जो चीजें निकल कर सामने आ रही है उसके आधार पर आग किसानों द्वारा लगाई गई है। और जो यूपी साइड इसी का जो सब स्टेशन बना हुआ, उसके सामने जो पाइप पड़े हुए थे उसमें आग लगाई गई है। जिस तरीके से आग लगी है, भयावह स्थिति बनी हुई है यहाँ, और आस पास के कई किलोमीटर के एरिए को धुएं के गुबार ने अपनी चपेट में ले लिया है। और कई मीटर ऊंची लपटों से जो आग है वो आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से आग लगी हुई है, जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी फायर ब्रिगेड की टीम काबू करने में असफल है पूरी तरीके से। और जो अधिकारी हैं वो भी अभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस जगह यूपीएसआईडीसी का क्वार्टर बना हुआ था, जो यहाँ पर प्लांट का मुख्यालय बना हुआ था, वहां से 1 किलोमीटर दूर ये आग लगाई गई है। और जो आग है उसकी वजह से ये जो सब स्टेशन है वो भी प्रभावित हो रहा है। 2 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची हैं, जो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, जो अभी नाकाफी है। ये क्या चाहते थे किसान? जी बिल्कुल, किसान जो अधिग्रहण की शर्तें थी वो ना पूरी होने को लेकर पिछले 3 वर्षों से आंदोलन कर रहे थे और प्रशासन से बात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कल पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद ये आंदोलन शुरू होता है। और 30 लोगों नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ अभी तक इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे 5 लोगों की गिरफ्तारी। पूरे मामले से नाराज किसानों ने एक बार फिर ये उग्र प्रदर्शन किया है। जी, यानी प्रशासन से ये लोग बात करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात सुनी नहीं और उसके बाद आग लगा दी किसानों ने, जिसकी आग आगे तक फैलती जा रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरें, 2 तस्वीरें हैं। पीएसी की टीम मौके पर मौजूद है, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझा दी गई है या अभी भी जल रही है? जी बिल्कुल, जो आग है वो अभी भी जल रही है, और जिस तरीके की आग है उसको बुझाने के लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि 2 ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग भयावह है। तकरीबन 2 से 4 और दमकल की गाड़ियां, और कम से कम 1 घंटे का समय और लगेगा, क्योंकि अभी काफी संख्या में पाइप और पड़े हुए हैं जिनमें आग लग चुकी है और धीरे धीरे वो भी जलना शुरू हो गए। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर अनुराग ने कई अहम जानकारियां दी हैं। आप अनुराग हमारे साथ बने रहिए। ये 2 तस्वीरें आपको बता दें कि किसानों के अधिग्रहण का मामला था। ट्रांस गंगा सिटी के पास ये बम्पर बवाल हुआ। एक चीज जरा अनुराग मैं आपसे बताऊंगा, पूछना चाहूंगा कि ये कुछ किसानों की बाइट है, सुन लेते हैं। प्रकरण क्या है, कल झगड़ा भी हुआ है, तो पूरा प्रकरण क्या है? असल में 2002 में इस जमीन का अधिग्रहण हुआ था, और 2002 से लेकर 7 तक वार्ता का दौर चला। जो जो वार्ताएं हुई वो सब विफल रहीं, और साथ में कमिश्नर ने इसको निरस्त करते हुए ये कहा कि किसानों को ज़मीन वापस कर दी जाए। फिर यूपीएसआईडीसी ने अपने मनमानी तरीके से, शासन प्रशासन ने अपने ढंग से उसको फिर उसको सबमिट किया और किसानों को ज़मीन वापस नहीं की। किसानों का क्या कहना है कि जब हमें 2011 में पैसा दिया गया था, तो 2011 की नीति जो आती थी या शासन में जो नीतियाँ थी वो हमको दी जाती, या 2014 जो 24-2 भी कह रहे हैं कि अगर 2009 तक काम नहीं किया गया है वहाँ पर, तो वहाँ पर 2014 का कानून लागू किया जाए। तो किसान ये कह रहा है कि हमें उन कानूनों का पालन किया जाए। किसान ने कई चक्रों में बात की, एक बार यूपीएसआईडीसी के रवि प्रसाद MD साहब के सामने बात हुई, वहाँ पर 2-3 संजय तिवारी और श्री मिश्रा जी लोग बैठे थे, तो रवि प्रसाद जी ने माना था कि आपकी 16% ज़मीन है, जिसमें तुमको 6% ज़मीन दी गई है, और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी ज़मीन बच रही है 3.6, उसका हम लोग मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए वार्ता भी एक तरीके से सार्थक दौर पर पहुँच चुकी थी, लेकिन उनका ट्रांसफ़र होने के बाद उस वार्ता को रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो लिखित में हो नहीं पाई थी, लेकिन वो 10 बजे तक मीटिंग चली थी।
और उसके बाद जब प्रशासन से हम किसानों की कभी नहीं झगड़ा नहीं हुआ, जब भी प्रशासन ने बुलाया किसान वहां पर गया, किसान अगर झगड़ा करना चाहता तो वो पहले ही कर लेता, लेकिन प्रशासन ने कूढ़तापूर्वक उसका पहले से प्लानिंग था कि किसानों को सिर्फ लाठी चलाना है और किसानों की बात नहीं सुनी गई। ये आप लोगों ने कई वीडियो वायरल आप लोगों को हम भेज देंगे, किसानों को वहाँ पर धमकाया गया, मारा गया, बच्चों को मारा गया, तब किसानों ने जब सोचा कि पुलिस पूरा व्यवस्थित है और मारने के मूड में है, तब किसान भागे और जब उन पर आंसू गए उसके गोले छोड़ गए, तब किसानों ने फिर उसका जवाब भी दिया, क्योंकि आप जानते हैं सेल्फ। तो इनका कहना है कि ये 2002 का मामला था और 2002 के बाद ये वार्तालाप बढ़ती गई, 2011-2014 बीत गया। इस दौरान कमिश्नर ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि ये ज़मीन किसानों को वापस कर दी जाए और उसके बाद UPSIDC ने जबरन इस ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया। देखिए ये बात तो किसान का पॉइंट ऑफ व्यू है, अब इसमें शासन की तो लाठियां दिख रही हैं, वार्ता करने के बजाय शासन की यहां पर लाठियां दिखी है। लाठियां क्यों दिखी है ये भी समझिएगा, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर ये बात तो बहुत आसानी से कही जा सकती है, लेकिन आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीरें, इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है किसानों ने, ये भी बड़ी बात है। आंदोलन का दूसरा तरीका हो सकता है अहिंसा के जरिए, इस देश से गांधी जी ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, लोगों ने बहुत कोशिश की गोलियों के जरिए, लेकिन गांधी जी ने अहिंसा का रुख अख्तियार करके अंग्रेजों को भगाया था। और ये किसान, अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है तो निश्चित तौर पर मीडिया तो किसानों के साथ हमेशा रहती है, और बाकी मीडिया की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन भारत समाचार चैनल किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो ये दूसरा रुख भी अपना सकते थे, इससे देखिए एक तो वैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं आपके आसपास 500 के पार है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है कि प्रदूषण को रोका कैसे जाए, और ऐसे में पावर स्टेशन में आग लगा देना ये बहुत गलत कार्य है, इससे बिजलियां भी प्रभावित होगी आसपास के इलाकों की, तो ये ठीक नहीं है, आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। रबर के गोले भी पुलिस को दागने पड़ रहे हैं माहौल को काबू करने के लिए, अब क्या करें, ग्राउंड पर उनके पास कोई स्थिति नहीं है। अब किसान इस तरह से उग्र हुए हैं, ठीक है उनके साथ अन्याय हुआ है, इस बात को हम मानते हैं, और वो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखा भी कि 2002 में ही ये मामला था और उस वक्त ये मामला 2011-2014 तक आया, कमिश्नर ने देखा, जाना, चीजों को समझा, उन्होंने कहा ये जमीन किसानों को दे दी जाए, लेकिन उसके बाद UPSIDC ने कुछ लापरवाही की है, वो आपको अनुराज बेहतर बताएंगे। अनुराज, एक किसान की बात मैं सुन रहा था, जरा इसमें जो तकनीकी पहलू है वो आप क्या मुझे समझा सकते हैं। उस किसान ने कहा चूंकि मुझे इस पूरे मामले का मैंने अध्ययन नहीं किया है, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, इसमें UPSIDC का क्या रोल है, नंबर एक, आप ध्यान से सुनते जाइए अनुराज, अगर आपके पास पेन हो तो नोट कर लीजिए। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि 2002 में जमीन ली थी और उस वक्त के कमिश्नर ने कहा था कि आपको जमीन दे दी जाए, लेकिन UPSIDC ने जमीन वापस ले ली, तो जरा इसे समझाइए दर्शकों को, बताइए कि क्या है ये चीज। आपको बता दें 2002 में पूरी प्रक्रिया शुरू की गई थी अधिग्रहण की, और जो उस समय का मुआवजा था 151,000 रुपए, लेकिन ये अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए, किसानों ने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद ये मुआवजा 551,000 रुपए बढ़ाकर कर दिया गया। लेकिन जो अधिग्रहण के दौरान शर्तें थी कि जो मुआवजा राशि है उसके अलावा हर किसान को 50,000 रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा, एक आवासीय भूखंड, पूरी जमीन का 6% जो जमीन है उसको डेवलप करके यहाँ के किसानों को आवासीय भूखंड दिया जाएगा, वो अभी नहीं दिए गए, इस तरीके की कई मांगे थी जिसको लेकर किसान सरकार के पास गए। ये जरा समझ, ध्यान दीजिएगा, 551,000 का जिक्र कर रहे हैं, कंपनसेशन के तौर पर 50,000 और एक भूखंड, ये किसका कमिटमेंट था? और SI भी शामिल है, कुछ चोटें आई हैं, पुलिस की तरफ से 30 नामजद और लगभग 200 व्यक्तियों के खिलाफ, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है, उसमें विवेचना हो रही है, 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है, बाकी विवेचना के बाद शीघ्र नामजद और अज्ञात व्यक्तियों की का पता लगा करके कार्रवाई की जाएगी। अनुराज जरा ये बताइएगा, अगर आप जुड़े हो फोन पर, तो ये 551,000 का कमिटमेंट, साथ ही 50,000 का कंपनसेशन और साथ ही एक भूखंड देने का जान, ये किसने कहा था, कमिश्नर ने कहा था या UPSIDC ने कहा था, किसने कहा था? अधिग्रहण के दौरान जो शर्तें थी किसाने
और यूपी साइड इसी की बीच उसमें समझौता हुआ था कि पूरी जमीन का 6% जो है वो डेवलप करके किसानों को आवासीय भूखंड निःशुल्क दिए जाएंगे, साथ ही जो लोग रह रहे हैं उनको मुआवजे के अलावा 50,000 रुपए कंपनसेशन राशि दी जाएगी। लेकिन इस अधिग्रहण पर किसानों ने सवाल खड़े किए। ठीक है, मैं अनुराज आपके पास आ रहा हूँ। आप बहुत तकनीकी पहलू बता रहे हैं, यानी 16% में 6% जमीन किसानों के लिए रहेगी, उनके घर के लिए। अनुराज ने ही मौके पर पहुंचकर वहां की रिपोर्टिंग की, हालात का जायजा लिया है, जरा वो दिखला देते हैं आपको। उन्नाव में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद आज किसान उग्र होकर यूपीएसआईडीसी के सब स्टेशन के सामने पड़े प्लास्टिक के पाइपों में आग लगा दिए हैं।